स्टेटस क्या है आज के डेट में? हम देखते हैं वर्कर का स्टेटस बहुत ही खराब है और ऐसा है, हम वर्कर बुजुर्ग में भी होते हैं तो उनका नाम लेके हम लोग बोलते हैं, उनका डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। हम लोगों को लगता है ये लेबर है तो इसके लिए उनका सम्मान नहीं है, ऐसा एक मेंटेलिटी हमारा सोसाइटी में है, उसको चेंज करना चाहिए। सर 1948 में मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया था, देश स्वाधीन होने के बाद 1948 में मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया था, और 1948 में मिनिमम वेज एक्ट में उस टाइम रिजोल्यूशन पास हम लोगों ने 1957 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने उसी टाइम एक्रॉइड फॉर्मूला को एक्सेप्ट किया था। एक्रॉइड फॉर्मूला क्या था? एक्रॉइड फॉर्मूला में हम लोगों ने 2700 कैलोरी उनको वर्कर्स को देना है, 72 इयर्स उनको कपड़ा देना है, और उनको जिनका हाउस होल्ड के लिए उनको बेनिफिट देना है, वो पहला वहां पे व्यवस्था वहां पे था। उसके बाद हम लोगों ने लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हमने पकड़ा, और हम वर्कर्स को लिविंग कंडीशन में अच्छी तरह से रहे उसके लिए हमने प्रावधान किया, उनका व्यवस्था हमने किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहां पे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, चिल्ड्रन एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट को भी आपको वहीं पे लेना है। आज देश में हम लोग वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज फिक्स कर रहे हैं। फिक्सिंग मैकेनिज्म कैसा है सर? फिक्सिंग मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स है, वर्कर्स के लिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, कितना चार बिल है, चार एक्ट है, चार एक्ट में मिनिमम वेज 12 तरह कैसे हम लोगों ने वहां पे डिफाइन किया है, कहां पे क्या मिनिमम वेज है किसी को मालूम नहीं, वर्कर्स को मालूम नहीं एग्जैक्टली मिनिमम वेज क्या मिलना चाहिए उनको, कोई आप इतना कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको बताता हूं यहां पे हम लोग मिनिमम वेज बेसिक पे और दूसरा हम लोग वेरिएबल डेयरलेस अलाउंसेस हम लोग देते हैं, ये वीडीए और बेसिक हम दो दे के उनको देते हैं। बहुत स्टेट ऐसे हैं जो उन्होंने वीडीए भी नहीं बढ़ाया, कोई कोई वीडीए बढ़ाया बेसिक नहीं बढ़ाया, बहुत स्टेट ऐसा है इन्होंने वीडीए बढ़ाया लेकिन बेसिक को नहीं बढ़ाया। और जो मिनिमम फ्लोर मिनिमम वेज है, जो फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है, आप देखिएगा हम लोग उनको बोले हैं जो शेड्यूल्ड वर्कर को ही हम लोग मिनिमम वेज देंगे। शेड्यूल वर्कर कितना है हम लोगों का कैटेगरी आप देखेंगे तो शेड्यूल वर्कर 1915 शेड्यूल जॉब कैटेगरीज है हम लोगों के पास, और हम लोग नियरली 429 हम लोग का शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, और हम लोग कितना कवरेज करते हैं 66% कवरेज करते हैं, बाकी परसेंटेज को कवरेज नहीं किया है। आज बोल रहे हैं जो इतना बढ़िया एक्ट है आप इतने साल तक रहे, ये 66% कवरेज हुआ, बाकी वर्कर्स को क्यों कवरेज में आप लोगों ने नहीं डाला, क्यों नहीं लिया? अभी प्लांटेशन वर्कर के बारे में बोले थे, प्लांटेशन वर्कर के बारे में मैकेनिज्म क्या है? कैश और काइंड कंपोनेंट है, काइंड कंपोनेंट कितना होना चाहिए, कैश कंपोनेंट कितना होना चाहिए, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। आज जो कैश और काइंड का कंपोनेंट होता है 51% काइंड कंपोनेंट को यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे बिल ने स्ट्रिक किया है जो 15% से ज्यादा यहाँ पे आप लोग काइंड कंपोनेंट नहीं ला सकते। ये ऐतिहासिक नहीं है सर, यह ऐतिहासिक है, हमने ये चेंज यहाँ पे लाया है। आप अगर देखोगे, अगर कॉस्ट ऑफ आप देखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो आप यहाँ पे देखोगे ऐसा बहुत सिस्टम है। अभी यदि आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे मिजोरम में आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट वेरीज 3 और असम में 102, सेम नोटिस में पड़ता है, एक में शेड्यूल है 3 और असम में 102 शेड्यूल वहां पे हम लोगों का है। अगर आप मिनिमम वेज पकड़ोगे तो मिनिमम वेज आप नागालैंड में 115 है और हम दिल्ली में कितना है 538 है, कितना डिफरेंस है। बाकी अपने स्टेटों का आप अगर देखेंगे कितना डिफरेंस, विद इन द स्टेट अगर आप देखोगे विद इन द स्टेट हम लोगों ने डिफरेंसेट, केरला में 905 डिफरेंस है, जो कैटेगरी हमने बनाया है कैटेगरी में 905 डिफरेंसेस है वहां पे, तो हमने ऐसा डिफरेंसेस बना के रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, वर्कर को कुछ समझ नहीं आता है जब कैसे मिनिमम वेज को हम लोग फिक्स करें। आप यहाँ पे अगर देखोगे आप इकोनॉमी सर्वे 18-19 का आप अगर देखोगे आप यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जितने बड़े बड़े स्टेट भी हैं उनका भी कितना डिफरेंस है। मध्य प्रदेश है जो चार स्टेट मतलब उन्होंने स्किल को चार तरह से उन्होंने वो डिफरेंशिएट करके उन्होंने दिया है, यहाँ पे देखोगे कितना वायलेशन हम लोगों ने इसमें। अभी जो नया कोड लाया है एक कोड में हम लोगों ने बहुत ही चेंजेस यहाँ पे बारीकी से इस चेंजेस को हम लोग लाए हैं। अब डिफरेंशिएट मिनिमम वेज अगर आप देखोगे तो कितना यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा,
अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सुप्रिया सुला जी ने बोला था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे है। हम लोग जो रेट हम लोगों ने फिक्स किया है उसमें हम लोग देखते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको कम देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा मिलता है। लेकिन अभी जो वेज कोड हम लोग ला रहे हैं उसमें ये जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी हम लोग चेंज करने वाले हैं, उसमें भी हम लाएंगे। आप अगर यहाँ के मिनिमम वेज देखेंगे, आप जो सर्वे देखोगे पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1967 से 1617 का आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़ा बड़ा स्टेट है जिसका मिनिमम वेज बहुत कम है। तमिलनाडु जैसा स्टेट उनका मिनिमम वेज बहुत कम है, बहुत उनका जीडीपी आप देखोगे 1.5 लाख से 2 लाख उनका है, लेकिन आप देखोगे मिनिमम वेज बहुत कम है। गोवा का आप देखोगे मिनिमम वेज बहुत कम है। जो हम लोग मिनिमम वेज फिक्स करते हैं वो मिनिमम वेज हर तरह से अलग अलग होता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, और वर्कर्स को नहीं मिनिमम वेज नहीं मिलने के कारण स्टेट को वहाँ डिस्पैरिटी हो रहा है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्टेटों में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और इसी को यूनिफॉर्मिटी में हमको लाना चाहिए। इसके लिए ये कोड ऑन वेजेस बिल यहाँ पे लाया गया है। कोड ऑन वेजेस बिल आने के बाद देश में बहुत ही नया परिवर्तन होगा, एक नया परिवर्तन होगा, हर वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा, हर वर्कर्स को उनको नया प्रावधान उनको मिलेगा। आप सर मैं बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मिनिमम वेज के लिए अगर कोई वर्कर मिनिमम वेज उनको नहीं मिलता है, सर 2 मिनट और, मिनिमम वेज नहीं मिलता है उनको मल्टीपल अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है, मल्टीपल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा उनको मिनिमम वेज लाने के लिए। सिंगल विंडो मैकेनिज्म नहीं है, वर्कर्स को क्यों सिंगल विंडो मैकेनिज्म हम लोग नहीं दे रहे हैं? इतना सालों तक हम लोगों ने सिंगल विंडो मैकेनिज्म नहीं दिया, इस बिल में हमने सिंगल विंडो मैकेनिज्म देने के लिए यहाँ पे व्यवस्था हम लोगों ने किया। एपिलेट अथॉरिटी आज तक नहीं बनाया गया, कहीं पे भी एपिलेट अथॉरिटी है नहीं, उनको डायरेक्टली जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी बनाया गया है जहाँ पे एपिलेट अथॉरिटी के थ्रू उनको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर उनको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, अगर कहीं पे भी किसी में जाना पड़ता है उनको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हम लोग एक गजेटेड ऑफिसर को देंगे, अगर फाइन देना है तो 50,000 तक उस ऑफिसर के पास जाके आप फाइन ले सकते हो, आपको ट्रिब्यूनल में जाना नहीं है। अगर वहां पे अगर सीलिंग का प्रोविजन रहता था, सीलिंग के लिए हम लोगों को एक्ट को बदलना पड़ता है, रूल्स को बदलना पड़ता है, कोई नोटिफिकेशन के थ्रू हम बदल नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन लाया गया है, हम लोग अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू भी हम लोग सीलिंग को बदल सकते हैं। अगर जो क्लेम का टाइम रहता था, क्लेम का टाइम पहले हम लोगों का मैक्सिमम टाइम 6 मंथ 12 मंथ और बोनस के लिए 2 साल था, अभी यहाँ पे 3 साल हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। हमने इतना सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कंट्री का अगर चेंज, अगर बड़े बड़े ब्रिक्स कंट्रीज को हम देखते हैं सबका मिनिमम वेज सेम है, सबका मिनिमम वेज है, लेकिन इसके लिए मैं इसके लिए आपके थ्रू से मैं माननीय हमारे श्रम मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छी तरह से मिनिमम वेज, ये जो मिनिमम वेज देने के लिए ये वेज कोड उन्होंने लाया, वेज कोड के थ्रू हमारे वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा और वर्कर्स का जीवन में एक नया परिवर्तन होगा। मैं ये आशा करता हूँ, बहुत सारा चीज बोलने का लिए था लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, लास्ट में सर एक मिनट बोलूंगा, सर एक मिनट बोलने दी सर, इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन जो मैकेनिज्म था, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म पहले बहुत ही खराब था, अभी यहाँ पे वेब बेस्ड इंस्पेक्शन यहाँ पे लाया जाएगा, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लास्ट में एक रिक्वेस्ट मैं माननीय मंत्री जी को बोलूंगा, माननीय मंत्री जी हम जब वेस्ट फिक्स करते हैं वहाँ पे कोई टेक्निकल आदमी नहीं रहता है, इसके प्लीज गो। आई राइज इन सपोर्ट ऑफ द कोड ऑन वेजेस बिल 2019। Possibly the first bill where there is no effort to over-concentrate the powers in the central government, which genuinely is a bill intended to give some relief to our workers. If not a path-breaking legislation, it definitely is a leap forward. Consolidating 4 laws
and coming up with this bill is by itself a good achievement. The definitions are comprehensive. Definition of worker, employee, employer, establishment are comprehensive so that everybody gets has access to the benefits that are contemplated under the law, under the bill. For the first time, a concept of floor wages has been introduced. The problem that would plague the wage payment, minimum wages and other issues would be that every state would come up with its own wage structure. And there used to be huge disparities amongst the wage structure of different states. This is a big good achievement. The floor wages will give the base, will give the floor and leave ceiling for the states. But as regards floor wages, a second look deserves to be given to the